वेलकम बैक टू अंदर राधे राधे। सभी को देख सकते हो भाई, सामने गाड़ी खड़ी है। आज इसकी सर्विस होने वाली मैं, क्योंकि इसका जो 12,000 किलोमीटर है उससे ज़्यादा चल चुकी है, तो आज इसकी वो सर्विस करा लेंगे। गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो इसकी ये चौथी सर्विस होगी, पेड सर्विस होगी। तो देखेंगे कितना इसका कॉस्ट पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये देख सकते हो, यहाँ पे ओडोमीटर में 14,361 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसका सर्विस किलोमीटर आ चुका है। तो इसी तरह इसकी सर्विस कराने जा रहे हैं, तो काम करते हैं, पहले जल्दी से गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं, क्लचर्स को बंद कर देते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद दोबारा व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है। क्या वो भाई, पेट्रोल भी नहीं है इसके अंदर। चलो कोई नहीं, देखेंगे। तो पहले इसको थोड़ा कोल्ड स्टार्ट हो जाने देते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट सुना देता हूँ, मतलब देखना क्या, देख ले। बंद हो रही है भाई, पेट्रोल तो है नहीं, मुझे लग रहा भरवाना पड़ेगा मेरे ख्याल से एक बार इसको। चलो देखते हैं कि क्या कराना पड़ेगा, फिर भी तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो भाई इंजन लाइट आई है इसकी, भी दिखाएंगे एक बार जाके कि इंजन लाइट इसकी किस लिए आ रही है, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से आ रही थी, मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा था, मैंने इसको एक बार दिखा देता शोरूम में जाके। फिलहाल GoPro चालू है, तो काम पर थोड़ा पहले इसको हीट हो जाने देते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। फिलहाल के लिए अभी शोरूम जा रहे हैं, वहाँ पे जाके गाड़ी को देखेंगे, अगर वहाँ छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, वरना जल्दी हो पाएगा जल्दी कर लेंगे। तो भाई मैंने कैमरा बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक आ गया था, जिसकी वजह से मैंने वो कैमरा बंद कर दिया, वरना फालतू का आप लोगों को टाइम वेस्ट आता है और शूट भी अच्छे से हो नहीं पाता व्लॉगिंग भी। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं शोरूम की तरफ, अभी हम लोग लखनऊ कैंट के अंदर ही हैं। तो भाई देखो, मैं इसकी सर्विस अब मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी आपको दिखेगी नहीं, क्या दिखाऊंगा। इसमें अभी 90 किलोमीटर बचा है, उसके बाद इसकी सर्विस है, लेकिन मैं इसकी सर्विस थोड़ी पहले करा रहा हूँ। पहले मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा है ना कि मेरे को इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरी गाड़ी जिस हिसाब से चलती है ना, उस हिसाब से मेरे को पहले सर्विस करानी पड़ती है, 100 किलोमीटर के आसपास पहले करा दूँ। क्योंकि मेरी गाड़ी अगर कुछ ना भी चले तो भी हर दिन का कम से कम 60 किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर से चलती, क्योंकि मेरा जो कॉलेज पड़ता है वो यहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो आना जाना मिला के, उसके बाद जो मेरा दूसरा काम होता है, तो जितने मेरा का रहता ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो उन सबको मिला के तो मैं 60 किलोमीटर मेरा हर दिन का आना जाना होता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है मेरा। मतलब जल्दी क्या ख़राब होता है, जितना टाइम होता है उससे कुछ किलोमीटर पहले ही ख़राब हो जाता है। जैसे मान के चलो 10,000 किलोमीटर वैसे इनका इंजन ऑयल वो बताता है कि 10,000 किलोमीटर चलता है, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं, मेरे में उतना नहीं चलता है, मेरे मुझसे पहले ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़त्म क्या जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरी बात करूँ तो वो है गाड़ी का पिकअप। भाई गाड़ी का पिकअप थोड़ा बैठ गया है, मतलब जिस हिसाब से पहले उठती थी ना कि मतलब पीछे भागने चालू कर देती थी ना, अभी उस हिसाब से नहीं उठती है, थोड़ा इसको थोड़ा मतलब टाइम लगता है उठने में। तो इसके लिए अभी जाके दिखा देंगे कि इसके बारे में, मतलब इंजन सर्विस हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा इसका पिकअप भी हो जाएगा। और अगली बात करूँ तो वो हो जाती है गाड़ी के ब्रेक्स, मेरे को ब्रेक्स थोड़े इसके मतलब लगता है कि अब थोड़े मतलब पुराने हो रहे हैं, वैसी मतलब पावर नहीं महसूस होती जो पहले हुआ करती थी। क्योंकि भाई देखो, थर्ड सर्विस में इसके ब्रेक पैड चेंज होने थे, आई थिंक मेरे थर्ड सर्विस में होने वाले थे, लेकिन इसके ब्रेक पैड उस टाइम पर सही थे, तो उन्होंने बोला था कि अभी जरूरी नहीं, अगले हम लोग सर्विस में कर देंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं घर वहाँ जाके होता क्या है। तो ये फोर सर्विस होने वाली, पेड सर्विस होगी, फ्री सर्विस इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली, तो यानी जो लेबर चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। तो देखने वाली बात होगी कितना लेबर चार्ज इसका पड़ता है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है 2,000 के आसपास इसकी सर्विस हो जानी थी, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे पहले थर्ड सर्विस हुआ करती थी, उस थर्ड सर्विस में मेरा आई थिंक 1200 रुपये के आसपास रुपये खर्चा आया था, और उस टाइम में मैंने जब पता किया था कि लेबर चार्ज कितना लगता है, तो उन्होंने बताया था कि लेबर चार्ज तकरीबन 300 से 500 के बीच लगता है, डिपेंड करता है कि किस कौन सी सर्विस है, उस सर्विस में क्या क्या काम हो रहा है। जैसे काम अगर ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे लेबर चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो देखते हैं कि कितना इसका लेबर चार्ज लगने वाला है। सो अभी तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस अभी अगर लखनऊ करने पर पार हो जाए, उसके बाद 5 किलोमीटर बचेगा वहीं, उसके बाद डायरेक्ट जाके हम लोग शोरूम पहुँच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले मुझे पेट्रोल भराना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हो पेट्रोल का रिमाइंडर आ चुका है भाई, वहाँ जाऊँगा ना तो मेरे को पक्का इस चीज़ के लिए बोलेगी, क्योंकि मैं हर बार जाता हूँ, जितनी बार मैं जाता हूँ उतनी बार पेट्रोल खत्म नहीं रहता है। तो मेरे को कई बार इस चीज़ को बोल चुके हैं कि FI को लेकर, कि FI में खराब दिक्कत आ जाती है। वैसे मैं पेट्रोल ज़्यादातर फुल ही रखता हूँ, इस टाइम पर मैंने पेट्रोल इसलिए नहीं रखा था क्योंकि भाई मैं अभी माइलेज टेस्ट कर रहा था। तो भाई जितने लोगों को माइलेज टेस्ट देखना है इस गाड़ी का, फोर सर्विस के बाद वाला भी मैं करूँगा, तो माइलेज टेस्ट मैं करने
वाला, मैंने सोचा थोड़ा पहले कर दूँ इसलिए मैंने पेट्रोल निकाल दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सर्विस हो ही रही है तो सर्विस के बाद ही कर दूँगा। तो ये बार जैसी सर्विस हो जाएगी मैं तुरंत जाके इसका माइलेज टेस्ट कर दूँगा। तो इसलिए अगर चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर माइलेज टेस्ट वाला वीडियो देखना है तो भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि माइलेज टेस्ट कितना आने वाला है। अभी अगर माइलेज करूँ तो अभी के माइलेज की बात करूँ तो मेरे को तकरीबन 46 के आसपास की माइलेज मिल रही है, 45-46 की, जो कि गेन काफ़ी अच्छी है अगर जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ, मतलब भगाता भी हूँ, सिटी में चलाता हूँ, हाईवे में चलाता हूँ, मतलब दोनों रास्ता पड़ता है मेरे कॉलेज के बीच में, तो मैं भगाता भी हूँ नॉर्मल भी चलाता हूँ, तो उसके हिसाब से 46 की है। लेकिन एक्चुअल माइलेज जैसे माइलेज मैं MIT की बता रहा हूँ इसमें जो शो कर दिए, वैसे एक्चुअल माइलेज कितनी है वो मैं आपको माइलेज टेस्ट में बता पाऊँगा, कोई याद तो नहीं रहा। अभी हम लोग अपने जो शोरूम पे वो पहुंचने वाले हैं, तो सामने शोरूम है, बस एक बार बस अड्डा ही हट जाए, बस अड्डा क्या मतलब बसें हट जाएँ, तो उसके बाद अगर भाई बहुत ट्रैफिक है यार, ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ का इतना बेकार है ना। वेल इंडिया है तो ट्रैफिक को लेकर तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं रखता। जल्दी जल्दी चचा पेट्रोल मैं सोच रहा भरवा लूँ, लेकिन फिर वही है कि भीड़ ज़्यादा लग जाएगी तो इसीलिए मैं भरवा नहीं रहा अभी, फिर भी देखूँगा अगर जरूरी लगे तो भरवा दूँगा, वैसे भी ज़्यादा कोई नहीं तो है नहीं। चलो चलो वो होपफुली भाई भीड़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं नहीं जाना ज़्यादा दूर। तो भाई यहाँ पहुँच चुके हैं, गाड़ियाँ ज़बरदस्त लगी भाई। अरे N150 का नया कलर दिया है, ये गाड़ी सर्विस है, सर्विस नहीं होगी आपकी, नहीं होगी नीचे, पहले नीचे तो बात करते थे। चलो कोई नहीं, नीचे चलते हैं। N150 सर्विस है गाड़ी की, बाइक सर्विस है, N160 है। तो भाई फिलहाल तो बता रहे हैं कि अभी सर्विस में टाइम लगेगा, बैठ के देख सकते हैं ये N150 खड़ी है नई वाली। सो इसका हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, वीडियो अगर नहीं देखा जाके चैनल पे देख लेना, आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा, वहाँ से भी देख सकते हो जाके, फटाक से देख लेना जाके, ठीक है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं तुरंत जाके देख लो। वेल अभी तो ये बता रहे हैं 2-3 घंटा लगेगा, सो फिलहाल के लिए तो रुकना पड़ेगा क्योंकि भाई वीडियो बनाना है तो आना पड़ेगा। वैसे मैंने इनको बोला है जानबूझ के झूठ की मेरे को निकलना है, क्योंकि भाई मैंने मेरे को देखो ऐसा है कि मेरे को चाहता हूँ जल्दी जल्दी गाड़ी सर्विस हो जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा होती अच्छी, मेरे को माइलेज टेस्ट भी बनाना है। तो फिलहाल के लिए अभी गाड़ी को नीचे उतरवा लेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका। तो फिलहाल अभी गाड़ी हमारी जो सर्विस पे लग चुकी है, तो अभी पहले इन लोगों ने क्या किया, अभी जो ऊपर का साफ होता है मतलब कि जो धूल मिट्टी थी उसको हटा दिया है, देख सकते हैं पूरा ऑयल आ चुका है। तो अभी पहले सबसे पहले एयर फिल्टर चेक करेंगे कि एयर फिल्टर में इसकी कोई गंदगी है कि ना, अगर एयर फिल्टर, वैसे मैंने इसको थर्ड सीरीज में चेंज कराया था एयर फिल्टर, तो अभी इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं होगा, एक एयर फिल्टर आपको दिखा देंगे। तो अभी इसके अंदर के जो चेंजेस होने वाले थे, पहले ब्रेक पैड्स चेक करवा लेंगे, अगर ब्रेक पैड्स लगता है तो चेंज करा देंगे, वरना अभी तो पहले एयर फिल्टर खोल के देखेंगे कि एयर फिल्टर किस तरीके से हुआ है। बाकी गाड़ी वाड़ी पूरी साफ हो चुकी है, एक बार टेफ्लॉन कोटिंग इसके हम लोगों ने बता रखी है, तो सर्विस जब हो जाएगी तो वो इसके टेफ्लॉन भी करवा देंगे। सो एयर फिल्टर देख लो, बता रहे ख़राब हो गया भैया। फिलहाल अभी एयर फिल्टर हमको चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि एयर फिल्टर देख सकते हो भाई ख़राबी हो चुका है, इस साइड का देख लो और इधर का देख लो। हाँ नहीं चलती भी बहुत है, हर दिन तकरीबन 70 किलोमीटर चलना ही होता है इसको। तो फिलहाल बता रहे हैं कि एयर फिल्टर इसका चेंज करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं एयर फिल्टर इसका चेंज करा ही देते हैं, तो मे बी इसकी वजह से इंजन लाइट का इशू वो बंद हो जाए, जो गाड़ी की आवाज़ का थोड़ा मेरे को इशू लग रहा था वो भी सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल के एयर फिल्टर इसको हम चेंज करा देंगे। तो अभी तो फिलहाल इसका जो सामने वाला इंजन काउल है उसको खोल रहे हैं, ताकि इसका जो इंजन ऑयल है वो चेंज कर सकें। तो एक बार आपको इंजन ऑयल दिखा देता हूं, जहां तक मुझे लगता है भाई इसका इंजन पूरा खराबी हो चुका है, काला पड़ चुका है। तो अभी सामने के दो बोल्ट्स खोलेंगे ताकि जो इंजन का काउल है बाहर आए, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं आता तो आप इंजन ऑयल निकाल भी नहीं पाओगे इसका। फिलहाल अभी इसका इंजन ऑयल अगर निकाल लेंगे तो इंजन ऑयल भी इसका चेंज होगा, अब दिखा देता हूँ आपको मैं किस तरीके से, देख लो भाई पूरा काला पड़ चुका है, ख़राब हो गया है ना। वही देख लो पूरा ख़राब हो चुका है, पूरा काला काला पड़ चुका है, जल चुका है। तो वही इंजन ऑयल चेंज मेरा काफ़ी ज़्यादा, मेरे को काफ़ी टाइम से मेरे को लग रहा था कि गाड़ी का जो इंजन ऑयल है ख़राब हो चुका है, क्योंकि जब मैं इसको साइड से देखता काफ़ी ज़्यादा काला हो गया ना, तो देख लो कुछ ज़्यादा ही काला है। बाकी ऑयल फिल्टर है ये भी चेंज होगा, देख लेंगे अगर ख़राब होगा चेंज कर देंगे, मेरे ख्याल चेंज हो ही जाता है हर बार।
तो देख लो ये वाला इंजन ऑयल है, इसका चेंज होगा अभी और टॉप अप भी देख लेंगे। टॉप अप होता है, टॉप अप इसमें डलवा लेंगे हम लोग अभी। तो अभी फ्रंट ब्रेक्स को चेक कर ले रहे हैं कि फ्रंट ब्रेक्स का कैसा हाल है। वैसे तो दे सर्विस में चेंज, इससे सर्विस में चेंज होता है क्या ब्रेक पैड? होगा जी, तो बता रहे हैं कि ब्रेक पैड्स का चेंज होगा। तो आपको एक बार दिखा दूंगा अभी जब बाहर निकलेगा, तो आपको दिखा दूंगा ब्रेक पैड्स का इसमें कंडीशन क्या है। ख़त्म हो गया है ना? सो भाई देख लो, ब्रेक पैड्स आपको दिखा देता हूँ, पूरे ख़त्म हो चुके हैं ये वाले। इसीलिए तो भाई इस ब्रेक पैड्स को चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मेरे को लग रहा था क्योंकि भाई फ्रंट ब्रेक जिसकी पहली मतलब जिस तरीके से बाइट ऑफर करते उस तरीके से दोबारा नहीं आ रही थी, मेरे को लग रहा था कि भाई इसके ब्रेक सब्स को चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से चली है ना, जिस तरह चलाता हूँ सबसे ब्रेक पैड्स के ज़्यादा जल्दी ख़त्म होते हैं, तो इसलिए ब्रेक पैड्स को चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रंट ब्रेक्स पैड है, इसको भी चेंज होगा और रेयर का भी चेक कर लेंगे अगर रेयर में क्या कंडीशन, अगर रेयर का भी होता तो रेयर वाला भी चेक कर लें, चेंज कर देंगे हम लोग। तो फिलहाल इसको यहीं रख देते हैं, पूरा घिस चुका है, आपको दिखा देते हैं भाई घिसा हुआ है, ये देख सकते हो, देख रहे हो पूरा लोहा दिख रहा है, तो भाई घिस चुका है ये पूरा। इसको भी चेंज करेंगे और साथ ही साथ अपना एक इंजन ऑयल आएगा, नया इंजन ऑयल भी आपको मैं भी दिखा दूंगा, वो भी चेंज होने वाला है, तो नया इंजन ऑयल भी डालेगा इसके अंदर। सो ये फ्रंट डिस्क पैड है जो चेंज होने वाला है। अगर प्राइस की बात करें तो 269 का पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। सो ये देख लो, इस तरीके का डिस्क पैड है, देख लो पूरा नया नया है, आपको देख सकते हो इतना ऊंचा मोटा सा है। आपको पुराने वाले से कंपेयर करके दिखा देता हूँ किस तरीके से, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो देख सकते हो कि आपको कितना फ़र्क देखने को मिलेगा, ये वाला पूरा घिस गया, ये वाला भी पूरा आपको देखने को मिलेगा कि जितना मोटा सा है। तो ये वाला है, ये हम लोग चेंज करा रहे हैं। तो अगर प्राइस की बात करें तो आपको 269 के फ्रंट डिस्क बैग पड़ेंगे, और रेयर वाला का भी हम लोग चेक करेंगे कि उसमें चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो भाई देखो ऐसा है कि ये सर्विस महंगी तो होने वाली है, क्योंकि ये चौथी सर्विस है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ चेंज होने वाली है, जैसे आपके ब्रेक पैड्स हो गए, इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया और एयर फिल्टर हो गया, सब कुछ चेंज होगा, तो डेफिनेटली सर्विस थोड़ी महंगी होगी। और साथ ही साथ मैंने इसका एक कार्ड बना रखा है जिसमें जो लेबर चार्ज है वो मेरा नहीं लगने वाला है। तो अगर आपको उस कार्ड के बारे में जानना होगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो के लास्ट में आपको जो कार्ड है उसके बारे में बताऊंगा, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो कैलिपर्स हैं उनको साफ़ कर देंगे, साफ़ कर रहे हैं ताकि कोई धूल मिट्टी ना रहे, उसके बाद जो ब्रेक पैड्स उसको इंस्टॉल कर देंगे जो नए वाले। अभी जो फ्रंट डिस्क पैड है वो इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। पैड है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, तो भाई अच्छी बात है इंस्टॉल हो गया, ब्रेक्स भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे पहले वाले से, जो पहले मतलब फर्स्ट इस सर्विस से पहले थी। और इसका एक ब्रेक टेस्ट भी करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले ब्रेक टेस्ट ऑलरेडी कर रखा है मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जो न्यू ब्रेक्स डाले हैं इसके भी एक बार दोबारा ब्रेक टेस्ट कर सकें, तो इसलिए हम लोग दोबारा एक ब्रेक टेस्ट जल्दी आने वाला है चैनल पर। तो अभी चेक कर ले रहे हैं एक बार व्हील इसका फ्री है कि नहीं, मतलब ज़्यादा टाइट वाइट है कि नहीं, क्योंकि इसे इंपॉर्टेंट होता है, वरना से गाड़ी के इंजन पर जोर पड़ता है अगर ब्रेक्स थोड़े पकड़े होते हैं। तो वही एक बार चेक कर ले रहे हैं एक ही गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो एकदम लूज हैं कि नहीं। फिलहाल सामने वाले जो ब्रेक्स हैं पूरी तरीके से फिट हो चुके, अभी ये हम लोग पीछे वाले जो रेयर ब्रेक्स हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि रेयर वाले जो ब्रेक्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, चेंज होंगे अभी। सो ये वाले पीछे रेयर ब्रेक्स पैड हैं, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो दिखा देता हूँ आपको, पूरा घिस चुका है ये वाला भी, देख लो ये वाले पूरे घिस चुके हैं, तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। वेल वो लगा तो नहीं था कि इतना घिसा होगा, लेकिन बट स्टिल घिस चुका है। तो वैसे 14,000 किलोमीटर चली है तो बहुत ज़्यादा चली है, तो मैं एक सिंगल ब्रेक पैड्स के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चली है ये। तो ये वाला भी चेंज करा लेंगे, प्राइस मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सिमिलर ही पड़ेगा इसका, बाकी कितना प्राइस पड़ेगा वो भी देख लेंगे। तो ये रेयर डिस्क पैड्स हैं, इनको भी चेंज करने वाला है। अगर प्राइस की बात करूँ तो आपको 249 का ये पड़ने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क पैड्स कैसे हैं। ये देख लो ये वाले, उससे डिज़ाइन में थोड़े बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कलर में भी देखने को मिलेगा। मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ जो पुराना वाला है नया वाला। पहले आपको कलर से पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा घिसा, और अगर आपको साइड से दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये पूरा घिस चुका है, मतलब नीचे का भी दिखने लग गया होगा। और ये वाला भी देख लो पूरा नया नया है, तो इसको भी चेंज कर देंगे हम लोग। फिलहाल पहले इसको पूरा घिस के इसको थोड़ा पहले से घिस देंगे कार्बन पेपर से, ताकि इसका जो मतलब ग्रिप है वो पूरी आ जाए, मतलब टाइम ना लगे, इसको थोड़ा मैनुअली घिसने वाले हैं। तो अभी इसका जो ऑयल फिल्टर है वो एक बार निकाल रहे हैं। भाई इंजन ऑयल की तो बड़ी बड़ी कंडीशन है,
ये भी चेंज होगा ना ऑयल फिल्टर भी, तो जो ऑयल फिल्टर है वो भी चेंज होगा। मैं आपको एक बार ऑयल फिल्टर दिखा देता हूँ किस तरीके से। वैसे तो गीला गीला है, फिर भी कोई बात नहीं। सो देख लो, ये वाला ऑयल फिल्टर है, ये भी चेंज होगा। वैसे हर बार ही चेंज होगा, जितनी बार आपका इंजन ऑयल चेंज हो तो उतनी बार आपका ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। चेंज कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल फिल्टर अगर साफ़ नहीं रहेगा तो ऑयल को फिल्टर भी अच्छे से नहीं कर पाएगा कि जो इंजन में जाता है, इसलिए ऑयल फिल्टर चेंज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इंजन ऑयल इसके अंदर पड़ेगा। सो रेयर डिस्क पैड का भी काम हो गया, फ्रंट डिस्क पैड का भी काम हो गया, इंजन ऑयल भी बचा है चेंज करने के लिए, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर ये भी बचा हुआ है। और बाकी मैं थ्रॉटल बॉडी के बारे में देखेंगे, जिसका पिकअप पिकअप की प्रॉब्लम आ रही है वो भी बार देख लेंगे। पड़ने वाला है ये। सो भाई ये इंजन ऑयल है जो आपका अभी हम लोग डालने वाले हैं गाड़ी के अंदर। सो देखेंगे बजाज का डी टी साइड 10,000 वाला है ये वाला। सो 10W40 वाला इंजन ऑयल है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा 600 रुपये के आसपास में, जो MRP लिखी है 665 लिखा हुआ है। तो बाकी हम लोगों ने कार्ड बना रखा है, ये इसका जो बजाज का कार्ड आता है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कार्ड किस चीज़ का। और ये रहा अपना ऑयल फिल्टर जो कि चेंज होने वाला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्राइस कितना है। 80 रुपये इसका जो प्राइस है वो दे रखा हुआ है। सो ये भी चेंज होने वाला है, साथ ही साथ हमारा जो एयर फिल्टर है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये रहा एयर फिल्टर, इसकी अगर हम इसकी बात करो प्राइस की, ये 267 का आपको पड़ेगा भाई। उसका जो अलग से डिस्काउंट पड़ेगा वो आपको अलग पड़ेगा। फिलहाल आप देख लो ये वाला ऑयल फिल्टर, मैंने आपको प्राइस इसका बता दिया है। तो ये है नया ऑयल फिल्टर, ये वाला भी चेंज होगा, ये वाला हम इसको नया डालने वाले हैं। और ये हमारा इंजन ऑयल है वो डालने वाला है। सो ऑयल फिल्टर अभी चेंज कर दिया है, तो अभी क्या करने वाले हैं, भी इसके इंजन ऑयल है वो डालेंगे, जो उसका जो नट होता है ऊपर वाला वो खोल दिया। सो इंजन ऑयल डालेंगे, इसका जो ऑयल फिल्टर वो लग चुका है, अभी एयर फिल्टर बचा है उसको लास्ट में लगा देंगे, अभी बीच में लगा देंगे इसके बाद। तो अभी फनल की ज़रूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि फनल से जाएगा अंदर ये डायरेक्ट, तो वैसे डाल भी नहीं पाएंगे। सो ये देख लो, ये यहाँ नट होता है, ये नट हटाया तो इसके अंदर आपका जो इंजन ऑयल है वो पड़ेगा। तो ये रहा हमारा जो इंजन ऑयल है, जो आपको बताया था मैंने 10W40 वाला इंजन ऑयल है वो पड़ने वाले। मैं सोच रहा था कि मोटिल वाला डलवा, लेकिन भाई वारंटी की वजह से मैं नहीं डलवा पा रहा। एक बार वारंटी इसकी ख़त्म हो रही है, उसके बाद हम लोग इसके इंजन चेंज करा देंगे, उससे परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, गाड़ी की जो वाइब्रेशन है वो भी कम हो जाती है, इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ती है, और रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। सो फिलहाल के लिए इंजन इसका चेंज होने वाला है। सो देखते हैं, इंजन ऑयल पड़ रहा है इसका। सो इंजन ऑयल तो पूरा डल चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंजन ऑयल पूरा नीचे आ रहा है। सो इंजन ऑयल का काम हो चुका है, तो अब अगले बढ़ते देखते हैं अगला इसमें क्या काम होने वाला है। फिल्टर है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये रहा एयर फिल्टर, इसकी अगर हम इसकी बात करो प्राइस की, तो ये 267 का आपको पड़ेगा भाई। उसका जो अलग से डिस्काउंट पड़ेगा वो आपको अलग पड़ेगा। फिलहाल अभी अपना जो नया वाला एयर फिल्टर उसको लगा दिया है, तो जो पुराना वाला था आपको मैंने देखिए दिखाया था उसकी कंडीशन क्या थी, ये नया वाला एयर फिल्टर है तो इसको भी चेंज करके लगा दिए। सो अभी डेफिनेटली इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, जैसे आवाज़ को भी लेकर। हम लोगों ने इनको इंजन लाइट वाली प्रॉब्लम जो हमको मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि इंजन लाइट इसकी काफ़ी टाइम से ऑन है, तो हम लोगों ने इसकी प्रॉब्लम को बता दिया है। तो अभी देखते हैं इसका क्या है सोल्यूशन निकल के आता। तो मैंने इनको बता दिया कि क्योंकि भाई इसका 10-15 मिनट चला तो उसके बाद ही ऑन रहती थी, वो पूरा टाइम ही ऑन रहती थी, जब मतलब कुछ टाइम खड़ा कर दूँ उसके बाद जाके बंद होती थी। तो अभी देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकल के आता है। फिर प्रॉब्लम चेक कर ले रहे हैं, जो इंजन लाइट की मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताई थी कि इंजन लाइट ऑन रहती है, तो एक बार वो चेक कर लेंगे कि इंजन लाइट किस वजह से ऑन रह रही है। तो ये डिवाइस होता है, इसको एक बार अपने जितने बाइक के इश्यूज से कनेक्ट करके चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम होता है डेटा ट्रांसफर होगा तो उस टाइम पर पता चल जाएगा। और इसी में आपका जो ये सर्विस है इसका जो रिमाइंडर उसको भी रीसेट कर देंगे, जो कि नेक्स्ट सर्विस के हिसाब से होगा। फिलहाल अभी मॉडल ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, मतलब दिन में अगर जितनी बार भी इसको निकालो, जितनी बार चलाओ 10-15 मिनट के बाद चालू हो जाएगी, और तब तक चालू रहेगी जब तक गाड़ी बंद ना कर दो। फिर चेक किया था, तो मतलब चेक करने से पता चला कि जो मतलब पुरानी हिस्ट्री थी वो पड़ी हुई थी, तो हिस्ट्री को उन्होंने डिलीट कर दिए। क्या इसमें कोड दिखा रहे थे वो हिस्ट्री में दिखा? अच्छा, तो जिसके अंदर मतलब कुछ कोड टाइप के होते होंगे तो वो दिखा रहे हैं, वो हिस्ट्री में दिखा रहे थे, जिसकी वजह से इंजन लाइट इसकी चालू थी, अभी उन्होंने उसको हटा दिया है। तो होपफुली अभी दोबारा इंजन लाइट इसकी नहीं आएगी, तो उम्मीद तो वैसे यही कि ना आए तो वही अच्छी बात है। चल, अभी गाड़ी हमारी पूरी तरीके से सर्विस हो चुकी है, तो अभी इसको यहाँ से हटाएंगे, इसके बाद इसकी टेफ्लॉन कोटिंग होगी। एक बार चेक कर लेना भैया, इसको पिकअप आ लेगा ये, ठीक है। तो फिलहाल अभी फिलहाल को अभी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं चेक करने के, जैसे मैंने आपको बताया पिकअप की प्रॉब्लम इसमें आ रही थी।
तो ये पिकअप की प्रॉब्लम अभी देखते हैं कि क्या बताते हैं, क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इसका जो पिकअप है पहले थोड़ा कम हो गया है, सो इसीलिए मैं गाड़ी एक बार निकाल के लेके गए हैं चेक करने के लिए गाड़ी के पिकअप के बारे में। सो देखते हैं पिकअप की क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे तो मे बी सर्विस नहीं हुई थी, इस वजह से इसका पिकअप की प्रॉब्लम आ रही थी, सर्विस का टाइम आने वाला था। सो देखते हैं अगर सर्विस जैसे भी हो चुकी है तो क्या पता पिकअप इसका बढ़ गया हो। सो अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आई है थ्रॉटल बॉडी उसको एक बार साफ करा के चेक कर लेंगे, थ्रॉटल बॉडी में इसको दिक्कत आ रही थी कि नहीं। सो एक बार देखते हैं, अभी आके बताएंगे कि क्या वो बता उनको जो भी उनको बताना होगा आके बाद। सो अभी एक बार लौट के आएंगे फिर उनसे एक बार पता करेंगे क्या दिक्कत आई। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ कोई सर्विस की वजह से आ रहा था, कोई नॉर्मल दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको रहने देंगे साफ कराने का। वो तो बस नॉर्मल इशू ही होगा कि सर्विस हुई नहीं थी उसकी वजह से, क्या पता पिकअप उसका कम हो गया थोड़ा, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से वो सर्विस नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा चल भी चुकी थी। सो देखते हैं क्या पता चलता है। भाई फिलहाल देख लो अपनी गाड़ी आ रही है, भाई क्या लगती है। तो अभी इसको नीचे लेके जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा टूर मार लिया लगता भैया ने। तो फिलहाल जो अभी बात हुई थी उन्होंने जो बताया था वो ये बताया कि एयर फिल्टर की वजह से गाड़ी का जो पिकअप थोड़ा कम हो गया था, तो जिससे आपको मैंने एयर फिल्टर दिखाया था काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसलिए एयर फिल्टर चेंज किया। तो एयर फिल्टर चेंज करने की वजह से आपको पता है एयर फिल्टर अगर जैसे गंदा होता है तो सांस अच्छे से ले नहीं पाता, एयर अच्छे से जा नहीं पाती है, जैसे पिकअप थोड़ा कम हो गया था। एयर फिल्टर भी मैंने चेंज किया, कभी चला के आया तो इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम लगी नहीं एयर फिल्टर को लेकर। सो फिलहाल सर्विस ये ख़त्म हो चुकी है, एक बार इसका टेफ्लॉन हो जाए उसके बाद हम गाड़ी के लेके जाएंगे। इस खाली जगह पे आपको मैं डिटेल में सारी बातें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो क्या क्या जो इसका खर्चा है जो बिलिंग हुई है वो आपको सारी बातें मैं आपको वहीं खाली जगह बताऊंगा। तो फिलहाल के हमारा वीडियो एंड करते हैं। सो फाइनली भाई गाड़ी तो पूरी सर्विस हो चुकी है, देख लो भाई पूरी चमक रही, मैं आपको सामने दिखा देता हूँ एक बार। तो देख लो गाड़ी पूरी सर्विस हो चुकी है, तो एक काम करते हैं इसको निकालते देख के पहले क्या थोड़ा बहुत फ़र्क आया तो ज़रूर होगा डेफिनेटली। तो देखते हैं भाई पिकअप पे कोई डिफरेंस आया कि नहीं, फील होता है बट डेफिनेटली होगा तो मेरे को पक्का पता है। तो पहले चलते पेट्रोल भरा के आते हैं क्योंकि पेट्रोल भाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। भाई पहली चीज़ जो मेरे को फील हुआ है आवाज़ में, थोड़ी आवाज़ इसकी चेंज हुई है, मतलब पहले ज़्यादा वैसे पहले ग्रंट ज़्यादा, ब्रेक भी टाइट रही, पहले ग्रंट ज़्यादा था, बेस थोड़ा ज़्यादा हो गया और ब्रेक्स भी थोड़े टाइट हो गए। पिकअप तो तेज हुआ है, खतरनाक पिकअप है। देखो मैंने कहा था ना सर्विस के बाद जैसे जैसी हुई है ना, सर्विस के बाद इसका पिकअप तो डेफिनेटली बढ़ गया है, मतलब जो पहले दब दब के चलती था पूरी खुल खुल के चलती है। ये देख सकते हो भाई जैसे खींचो ना कूदने को भागती है भाई, ये सॉरी गलत बोल दिया, भागने को कूदती है भाई ये। तो एक काम करते हैं जल्दी चल के पेट्रोल भरा लेते हैं, क्योंकि भाई पेट्रोल इस समय बिल्कुल भी नहीं है, और उसके बाद किसी खाली जगह चल के आपको मैं इसका डिटेल ओवर भी दे दूँगा। एक भाई आवाज़ चेंज हुई है ये तो है, और जो आपकी इंजन लाइट थी वो भी हमारी हट चुकी है। पावर तो नहीं है, मेरे को पावर ही डलवाना है क्योंकि पावर से पावर आएगी, जब पावर ही नहीं आएगी तो पावर कैसे महसूस होगी, है ना। एक काम करते हैं, जिससे उम्मीद नहीं थी उसी में पावर मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ कि इसका जो टोटल बिल है वो कितना आया है। तो अगर मैं बिल की बात करूँ तो देखो बिल का टोटल कॉस्ट जो मेरे को पड़ी थी यहाँ इसमें लिखा नहीं, वो है तकरीबन 2674 रुपये पड़ी थी, जिसमें आपका जो AMC का जो सर्विस चार्ज है और जो सारा पार्ट्स है उनको मिला के जो डिस्काउंट मिला है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा टोटल आपको आई वो दिख रहा होगा, तो वो टोटल मेरे को पकड़ा था 2073 रुपये की मेरा ये बिल पड़ा हुआ है। ये इतना वैसे पढ़ना नहीं चाहिए था क्योंकि इसमें AMC का 1200 रुपये जुड़ा, अगर 1200 हटा दोगे तो जितना है वो मेरा फर्स्ट सर्विस का चार्ज था। AMC का फ़ायदा आपको यही मिलने वाला है कि आपका जो पैसा वो बच जाने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या डाला है तो देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको ब्रेक जो कैलिपर्स हैं वो आपके जो सेट वो चेंज हुआ था, जो कि तकरीबन मेरे को 236 रुपये का पड़ा था। आगे पीछे दोनों के चेंज हुए थे, जैसे पीछे वाला जो था 236 रुपये का था, आगे वाला 254 रुपये का था। और अगर दूसरी बात करूँ तो दूसरा इसके अंदर आप मेरा जो पड़ा था वो था आपका इंजन ऑयल चेंज हुआ था, जो कि तकरीबन क्या बोलते हैं ऑयल फिल्टर जो होता है वो चेंज हुआ था, जो कि 71 रुपये पकड़ा था। और अगर मैं बात करूँ ऑयल जो चेंज हुआ आपको तकरीबन 726 रुपये का आपका जो ऑयल है वो चेंज हुआ था। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो चेन लूप भी, तो चेन लूप का इन्होंने तकरीबन 154 रुपये लिया। और आखिरी चीज़ जो आपका चेंज हुई थी वो एयर फिल्टर हुआ था, जो कि तकरीबन 258 रुपये का पड़ा था। और जो हम लोगों ने टेफ्लॉन कराया था वो तकरीबन 294 रुपये का था। सो ये था हमारी आज गाड़ी का बिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा
आ गया था, चौथी सर्विस थी तो पेड सर्विस नहीं थी ये, सॉरी पेड सर्विस थी, फ्री सर्विस नहीं थी, इसलिए ज़्यादा पड़ा, इसलिए मैंने कार्ड बनाया। अगर आप लोग भी जाओगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर से कार्ड बनवा लो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा भी लोगे अब इस चीज़ में। एक बार मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ किस तरीके साफ़ हुई है, देख लो पहले तो भाई, पूरा जो पॉलिश वॉलिश लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा शाइन मार रही है टेफ्लॉन कोटिंग करने के बाद। तो टेफ्लॉन का फ़ायदा भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, स्क्रैच वैच जो थे सारे गायब हो जाएंगे। सो फिलहाल का ये वाला वीडियो ही एंड करते हैं, उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, मैं यहाँ से तकरीबन 10 बजे गया था, 2:46 हो गए, काफ़ी टाइम लग गया, धनतेरस की भीड़ भी ज़्यादा थी। सो ये वाला वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद करता वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय द वे, अगर आपको कोई दूसरा डाउट आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना, आपको कमेंट्स में जाकर सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा। सो लेकिन फिर भी एक बार टैंक पैड आप देख लो, ये टैंक पैड है, अगर आप में से किसी को भी टैंक पैड चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप लोगों को कमेंट्स आएंगे मेरे को कि हाँ टैंक पैड चाहिए तो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल वाला वीडियो ही खत्म करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, तो उम्मीद करता है वीडियो को पसंद आएगा, वीडियो जाकर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।